के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 73 फ़िरकों वाली हदीस के पेश नज़र हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली वगैरह क्या फ़िरकों में शुमार होंगे या फिर मसलक में? और मसलक हैं तो फ़िरका और मसलक का फ़र्क बयान करें। बड़ा औखा सवाल किया जे, ये आपस ही पुख्तन। वैसे तो ये कहते हैं ये फ़िरके नहीं हैं, फ़रोई इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर आप इनकी फ़िका की किताबें उठाएँ, एक ही मिसाल काफ़ी है कि खाने काबे में इन्होंने 300 साल तक 4 मसल्ले रखे हैं। अगर फ़रोई इख्तलाफ़ था तो 4 मसल्ले अलग क्यों थे, मैं ये पूछता हूँ? अगर ये 4 फ़िरके नहीं थे, एक ही फ़िरका था। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बरेलवी फ़िरका या एक ग्रोह है, उसमें डॉक्टर तल कादरी साहब की जमात है, इलियास कादरी साहब की जमात है और जमातें हैं, लेकिन बरेलवी जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं सारे फ़िरकों की जमातों वाले पीछे ही पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम मानते हैं कि ये सारे एक ही हैं। लेकिन काबे में 4 मसल्ले, अब तो हमने इतनी ये वीडियो चढ़ाई है ना, आप लिखे खाना काबा में 4 मसल्ले, वो मैंने तस्वीर भी कलर ढूंढ ली है। 300 साल तक जिन्होंने काबे में इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के नामों पर, उन बुजुर्गों का कसूर नहीं है, 4 मसल्ले डाले, चारों इमाम लाग खड़े होते थे। अब फ़रोई इख्तलाफ किस मुंह से कहते हैं? ए थे जे फकी, इस तो बाद में कोई जवाब ही कोई नहीं। अगर ये फ़रोई इख्तलाफात थे तो इमाम लाग क्यों थे, एक दूसरे के पीछे नमाजें क्यों नहीं पढ़ते थे? तो इसलिए कि ये आपस में एक दूसरे को फिरके समझते थे, ये हम नहीं समझते। हमारा ये कहना है कि अल्लाह जाने, अल्लाह के मामला जाने, जो भी किताब सुन्नत को मानता है अगर कहीं तावील की गलती लगी है, अल्लाह कयामत के दिन उनके दरमियान फैसला कर देगा। हम ना किसी को जन्नत की गारंटी देते हैं ना दोजख की, क्योंकि हमारा इख्तियार ही नहीं है। हम लोगों को ये बताएंगे किताबुल्लाह सुन्नत इजमा को फॉलो करो, बस।